गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल अरान वर्ल्ड। और ये गाइस हमारा ब्लॉग काफी टाइम के बाद आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और जैसे गाइस आपको पता है मैं आप लोगों को बताता हूँ मुझे कहाँ जाना है। तो आज मेरी फिलहाल पूरी बाइक रिपेयर कराऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत खराब खज्जा हो चुका था तो पूरी गाड़ी का काम कराना है मेरे को। तो इसलिए जाऊँगा फटाफट से निसार भाई के पास एंड वहाँ जाकर पूछता हूँ। तभी उनका कुछ काम होगा तो टाइम लगेगा और फिर भी तुम्हारा काम फटाक से हो जाएगा और फटाक से ही जितना टाइम लगे तो लगने ही वाला है। तो फिलहाल चलते हैं निसार भाई पास, वहाँ चल के मिलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ गाड़ी में क्या काम है, कितना कुछ सब कुछ वहाँ चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। पहुँच चुके हम लोग शॉप पे एंड काम चालू है हमारी गाड़ी का, हालांकि निसार भाई देख रहे हैं क्या हो रहा है गाड़ी में। तो अभी सामान वगैरह लेने जाना है हम लोग, बस स्टैंड जाएंगे तो वहाँ सामान वगैरह लेकर आते हैं अभी। और मैं तो आपको गाड़ी का हालत दिखा दो कैसी है मेरी पूरी गाड़ी की हालत अभी फिलहाल, तो पहले वो देखते हैं फिर हम लोग चलते बस स्टैंड, वहाँ सामान वगैरह लेकर आते हैं फिर काम स्टार्ट करते अपनी गाड़ी का। जिस तक तो गाड़ी जैसे हमारी यहाँ खड़ी है एंड पूरा देख सकते हो क्या हाल हो रखा है गाड़ी का। ये कूलेंट वगैरह लीक है, पूरा सस्पेंशन लीक हो गया और मरघाट वगैरह सब टूटा पड़ा है पूरा आगे से तक, मतलब जब से गाड़ी ठुकी थी ना उसके बाद से ये फिलहाल अब बनेगी। हो ये फेस वगैरह सब नंबर प्लेट भी टूट गई। तो देख सकते अभी कैसा हाल है गाड़ी का हमारी पूरी टोटली एंड देखते अभी सामान। तो भाई फाइनली आप लोगों ने गाड़ी वगैरह देख चुकी है पूरी, क्या हाल है हमारी गाड़ी का। तो ये फटाक से हम लोग निकलते हैं यहाँ से, पीछे देख रहे हो पूरा धुल धुल हो रखा है। तो यहाँ से फटाक से निकलते हैं सामान लेने के लिए, सामान वगैरह लेकर आते हैं उसके बाद हमारी गाड़ी का हम स्टार्ट करेंगे। आता हूँ मैं बराबर से बन जाए फिर देखते। हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड पे एंड शॉप पे बैठा भी सुनवाई की, तो सामान वगैरह भी हमारा निकल रहा है सब कुछ और सामान मतलब लगभग निकल ही चुका है, बस लेना है और लेके हम लोग वापस शॉप पे चलना अपनी वहीं पे, फिर गाड़ी का काम चालू होगा फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या लगने वाला है भी और जो भी है यहाँ से भी ले रहे फिर निकलते भी यहाँ से। ये मैकेनिक होने के साथ साथ दुकान मालिक भी है। ओ किसी की दुकान में चूड़िया करके घसरा मार दिया कुछ क्यों सोना कुछ बोलते ही नहीं तो आते क्यों दुकान पे नहीं की। चलो निकलते फटाफट। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने सामान वगैरह पूरा खरीद लिया है एंड टोटल सामान लेने के बाद घर आ चुके। ओ सॉरी 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 सॉरी। फाइनली गाइस हम लोगों ने पूरा सामान ले लिया शॉप वहाँ से शॉप पे से एंड सामान वगैरह लेने के बाद हम लोग वापस शॉप पे आ चुके हमारी मतलब निसार भाई की शॉप पे एंड सामान वगैरह हम लोग तुझे दिखा दो आप लोगों सबको मैं कि क्या क्या आया एंड वहाँ इसी तरह से मतलब पूछ जाता तो इसी तरह ने हाँ बोल दिया ठीक है वीडियो वगैरह बना सकते हो तो वहाँ वीडियो बनाया थोड़ी बहुत। तो इस वजह से अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सामान वगैरह सब जितना भी है टोटल हमारा काम भी स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग दिखा दो फिर देखते आगे क्या होने वाला है। तो गाइस फाइनली कुछ हमारा सामान यहाँ आया टोटल लगभग पाँच कितने का अपना सामान पूरा हाँ कितने का आया ये बोल गया आप तो भाई ये सब सामान आया टोटल हम लोग 1250 का आया। तो ये सब टोटल सामान हम लोग आया था एंड कुछ देख सकते सामान और भी है बाकी यहीं पर रखा था तो ये सब इतना है और बिल बिल है बिल फेंक दिया सब और टोटल सामान वगैरह का जितना भी था सामान वगैरह और काम स्टार्ट हो चुका है देख सकते हो। जैसे यहाँ पर खुल चुका है निसार भाई ने काम चालू कर दिया है। सो अभी देखते हैं आप थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते बताता हूँ कैसे क्या होता है सब। ठीक है आप लोगों ने सर सामान वगैरह देख लिया है और काम भी स्टार्ट हो चुका है जैसे देख लिया आप लोगों ने। तो फिलहाल ठीक है अभी मेरे को मतलब काम एकदम से वक्त नहीं मिल रहा ऑफिस वगैरह रह रहा है तो ऑफिस आने से बहुत टाइम बाद वक्त मिला गाड़ी रिपेयर कराने का मेरा क्योंकि अभी मेरा दो दिन पहले मतलब बहुत खराब खज्जल हुआ था पहला मतलब गाड़ी पेट्रोल खत्म हो गया एक तो पेट्रोल खत्म होने के बाद मैं गाड़ी पेट्रोल डलाया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही चालू नहीं हो रही कोई हाल फिर उसको बस स्टैंड ले गया मतलब जब सामान लेकर आई वहाँ से वहाँ लेके तो हाल चालू होने कुछ अगर कुछ हुआ नहीं फिर भाई को बोला उन्होंने थोड़ा बहुत करके जुगाड़ वगैरह करके चालू कर दिए थे। तो इस वजह से मतलब भाई पहले से गाड़ी काम करा वरना वही कहीं लंबा जाएंगे कहीं और जाएंगे घूमने वगैरह ब्लॉग वगैरह बनाने या फिर कभी ऑफिस ही जाना हुआ तो इस वजह से मतलब दिक्कत हो जाएगी उसमें काफ़ी दिक्कत दी बीच रास्ते में। तो इसलिए मैंने पहले गाड़ी रिपेयर करा अपनी और काम करा उसके कम्प्लीटली फिर उसके बाद में जो भी होगा खर्चा करा तो होते ही रहता है तो इसलिए हमने पहले गाड़ी का पूरा काम कराना है देख सकता हूँ आप लोगों को काम भी चालू हो चुका है और लगभग एक घंटे में हो जाएगा कितना लगेगा लगभग दो घंटे में हो जाएगा नहीं सर बोलते तो अभी देखता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हाल है सब सामान वगैरह दिखाता हूँ खुलेगा तब तो दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा काम स्टार्ट एंड गाड़ी देख दो पूरी नंगी हो रही मतलब नंगी तो नहीं अभी कुछ कुछ हाथ वगैरह खुल चुके हैं गाड़ी के और इसने अलग हाथ पे कुछ मार के रखा क्या मारा यार बस लग गया था क्या लगा था झूठ की बात होती है लगता वो ऐसी जगह पे नहीं है समझ रहे भैया हम भी समझ रहे कैसा लग रहा है।
ये रहे हमारी निशार भाई की शॉप, मतलब जो भी है बहुत है, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। इसमें मतलब सारा काम हो जाता है हम लोग का यहीं पे, और अक्सर जितनी भी गाड़ी हम लोग सब यहीं पे बनती है। तो भाई जैसे तो पूरी गाड़ी नंगी हो रुकी, हाथ वगैरह खुल गया, पहिया भी खुल चुका है गाड़ी का, और अभी काम चालू ही है, कर ही रहे। और मैं आप लोग सामान दिखा था, सामान कहाँ रखा है, मरघट्टा फेंक दिया उसका, कोई काम का नहीं होता। ये उसका फेस क्या है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, इधर आ जाओ। तो ये इसका फेस वगैरह जो भी है, मास्क था इसका, और ये पुराने वाला है, मैं नया वाला दिखाता हूँ। अरे ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी, हाँ सो नॉर्मल हो गया। तो भाई इसका ये मास्क वगैरह इधर ही पड़ा है, सब खुल लिया हम लोगों ने, और उधर वो जो हेलमेट था उसका वो पड़ा उधर, मतलब मरघाट था वो पड़ा है, और न्यू वाला सामान ये रखा है सब। जैसे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है लाइट, ये रहा। सो न्यू वाला फेस ये रहा, देख रहे हो, और ये मरघाट भी रखा है, इधर ही सामान रखा है। बाकी का सामान हम लोगों ने इसलिए लिया कि काम तो बहुत सारा है गाड़ी में, और सामान भी बहुत सारा लगना था। बाकी सामान इसलिए लिया कि निसार भाई के पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो वहाँ से क्यों लेना, यहीं रखा है जब, तो यहाँ का सामान जो भी है उसमें डाल देंगे, जो भी होगा सब देख लेंगे यहीं पे, इसलिए वहाँ से कुछ लिया नहीं इतना। बाकी जो सामान मेहमान चाहिए था, जो हमारे पास नहीं था, वो हम लोगों को वहाँ से लेकर आया, और बाकी सामान यहीं पर है, तो यहीं से काम चल जाएगा अपना, यहीं पर हो जाएगा सब। तो देखते हैं अभी, और खर्चे भी काफ़ी सारा होने वाला, अच्छा खासा। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सीमेंट वगैरह मारता हूँ, गाड़ियाँ क्या हाल है वो भी दिखाता हूँ। पता है हम लोग यहाँ दुकान है ना, इसका मुझे हाईवे सारा उसने पूरा दिमाग ख़राब कर रखा है। एक तो पूरा शोर होता गाड़ियों का आने जाने से, एंड दूसरा शोर हो गया चलो ठीक है, शोर हो गया तो चलो ठीक है, बाकी सारा धूल इतना होता ना, पूरा यहाँ पे बंदा अगर नहा भी है ना जी, उसको वापस जाने फिर नहाना पड़े, मतलब इतनी धूल होती है यहाँ पे, एंड पूरा फेस वगैरह सब सब ऐसी तेजी जाती है, बालों मतलब 10 मिनट में बालों में तो हाथ डालो ना, तब ये फंस जाते हैं पूरा, पता नहीं क्या सोच रहेगा साला। और अभी हम लोग चालू से चली रहा, देखते हैं अभी सफर कैसा है, ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है, ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर, जो फर्ज से बना था बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, और ये काम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब चालू ही चाहिए काम, एंड वो वगैरह लग चुकी है, वो खाती थी थोड़ा पॉप वगैरह ला के फिर वगैरह लेकर आया, तो वो खाई के आएंगे, और मैं बताता हूँ आज कुछ खराब होता है दोबारा से लेने के लिए, वो भी बच्चे नहीं आता मैं वो तो दिखाता हूँ क्या खराब हुआ था अभी। तो बस पता है इसी बारे में बोल रहा था कि यहाँ साला ट्रैफिक और धूल बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी नॉइज़ आने लग जाती कि अगर कोई बंदा बोले ना तो कुछ सुनाई ना दे, ऐसा हाल हो जाता है यहाँ का, तो इस वजह से भी रुक गया था कि गाड़ी वगैरह बहुत सारी जा रही थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। पहले खाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या लाने का, तो और भी कितना काम हमारी गाड़ी का ये भी दिखाता हूँ, और ये फिलहाल कितना बाकी है ये भी दिखाता हूँ, फिलहाल खा लेता पहले आगे, उसके बाद मिलता हूँ।